खबर 365 न्यूज, आपकी खबर आप तक 365 दिन आपके साथ। 11,000 के करंट के चपेट में आने से दो युवक बुरी तरह जख्मी। कटकमसांडी क्षेत्र के पिलावल शाहीन बाग में 11,000 केवीए के प्रवाहित बिजली तार के चपेट में आने से दो युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जख्मी युवकों में एक मोहम्मद एजाज पिता मोहम्मद इम्तियाज उम्र 17 वर्ष व मोहम्मद दानिश पिता आफ्ताब आलम उम्र 16 वर्ष का नाम शामिल है। घायल युवकों को आनन फानन में शेख विकारी मेडिकल कॉलेज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर मुखिया नूर जहां सदर अस्पताल पहुंच मरीजों का हालचाल जाना व बेहतर इलाज के लिए चिकित्सकों से बात की। मुखिया नूर जहां ने कहा कि 11,000 के झूलते जर्जर बिजली तार को लेकर कई बार हम लोगों ने विभाग से बात किया, लेकिन बिजली विभाग हमेशा उदासीन रहा। इससे पहले भी यहां 2-3 बार घटना हो चुकी और आधा दर्जन से अधिक लोगों की जानें भी जा चुकी है, लेकिन बिजली विभाग की ओर से अभी तक 11,000 तार को दुरुस्त नहीं किया गया। तार जमीन में 8 से 10 फीट की ऊंचाई पर झूलता नजर आता है। मुखिया नूर जहां ने झूलते जर्जर तार को दुरुस्त करने को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही है। खबर 365 न्यूज के लिए हजारीबाग से आरिफ खान की रिपोर्ट। गलत है और ये इनकी मांग है, और सबसे दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि ये दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करती है तो अपने बाल बच्चों का भरण पोषण करती है। ये सबसे बड़े अफसोस की बात है। और बिजली विभाग से हम ये कहेंगे कि तत्काल इसको मुआवजा दिया जाए और इसका इलाज बेहतर तरीके से किया जाए। था वहीं पे गए हुए थे जी। अब हम लोग तार देखे, बस तार जो है ना एकदम जो ऊपर नीचे होने लगा था, हम बोले कि क्या आवाज़ किया, तो हम लोग गए तो देखे ये को तो मतलब गिरा हुआ बाहर छत से नीचे गिर गया। पिलावल में कि कहां पर कमरा पिलावल शाहीन बाग आप लोग बिजली विभाग को आवेदन दिए हैं? बहुत बार दिए, देखिए पिलावल विकास मंच की ओर से भी दिया गया, अच्छा मुखिया जी की तरफ से भी दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई वैसा नहीं हुआ। क्या आवेदन दिखाइएगा? वो बिजली विभाग को दिया गया है, तो बिजली विभाग को जब दिए तो बिजली विभाग का क्या कहना है? बिजली विभाग का कहना क्या है सर, अब कुछ मतलब कार्रवाई नहीं हो रहा है। इस तरह मौतें बढ़ रही है तो आप लोग क्या इस पर विचार कर रहे हैं? पर विचार यही कर रहे हैं कि हम लोग सोच रहे हैं कि अगर नहीं, अगर इस पर कार्रवाई होगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे और जोर शोर से अगर करेंगे, समझे नहीं, इस पर कानूनी कार्रवाई। आप अपना परिचय दें। परिचय मेरा नाम सद्दाम हुआ, फिलहाल मेरा घर हुआ। जितना के कोई लगते हैं आपके? नहीं नहीं, हम वहाँ काम, मेरा घर वहाँ बगल में बन रहा है, वहीं पर गए थे। समाज सेवा, चलिए। कैसे घटना हुई? ये घटना अभी कैसे हुआ है पता नहीं, लिंटर लेवल तक घर किया हुआ है। अच्छा। पता चला कि ये लोग वहाँ कोई काम से गए होंगे या काम करते होंगे, तो ये इन लोग को अचानक अभी हमको दूसरे के माध्यम से मालूम हुआ कि इंतकाब का लड़का को करंट लग गया है 11,000। तो हम फॉर्म घर से तितर बितर उठ के आए हैं, अभी यहाँ इन लोग के सामने है, इन लोग से बयान अभी हम लिए कि हम लोग वहाँ कोई काम से गए थे काम करने के लिए, तो उसी में हम लोग को करंट मार दिया 11,000। लेकिन हम तो बिजली विभाग से काफी परेशान हैं। 11,000 तार नजदीक? हाँ, एकदम 10 फीट की दूरी में है, 10 से 12। बहुत बार हम देखे, 12-13 साल की मुखिया है। अच्छा। अपने पंचायत में हम कई बार बिजली विभाग को दिए हैं लिख के कि हमारे पंचायत में काफी 10 से 11-8 फीट की दूरी में 11,000 का तार है, उसको दुरुस्त किया जाए, और काफी घनी आबादी है और पूरा आबादी के बीच से किया है तार। हमको लगता है 1 साल के अंदर 2-3 घटना घट गई है, 2-3 लोग मर चुके हैं ये उस तार की वजह से। उस तार के 11,000 तार से 3 आदमी मर चुके हैं। आवेदन आप दिए हैं? हाँ, आवेदन हम बहुत बार दिए हैं बिजली विभाग में। बिजली विभाग का क्या कहना है? बिजली विभाग का कहना है कि हम उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन वो सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं, आज तक कुछ नहीं कहे। हम लोग बोले कि 11,000 तार जो आप ले गए हैं घनी आबादी से, उनको आपने सर्वे करके और मेन रोड से ले जाइए, ताकि जनता के साथ जो आए दिन घटना घटती है वो जनता कम से कम सेफ रहे। और दूसरा एक और मामला है कि हमारे यहाँ 33,000 का भी तार गुजरा हुआ है, वो भी है एकदम बीच आबादी से। तो हम लोग बिजली विभाग को कई बार लिखित रूप से दिए कि अगर तार आप ले गए हैं तो सेफ्टी के लिए जाली का प्रबंधन। आपको लगातार चुना गया है जी, तो आप इस पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हम तो बिजली विभाग को हम लोग बार बार बोल रहे हैं, बार बार बिजली विभाग की तरफ से आश्वासन ही आश्वासन आता है। 10 साल से आश्वासन आ रहा है? हाँ, सिर्फ आश्वासन, काम कुछ नहीं हो रहा। कदम नहीं उठाए हम लोग? दूसरा कदम जीएम से भी मिले थे,
जीएम भी बोले काम कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक तो आज देखते अचानक फिर दो लड़का लोग। अभी आप बता रहे कि बहुत मौतें हो चुकी है उस तार की वजह से, फिर भी पब्लिक भी शांत है, आप भी शांत? नहीं, पब्लिक और हम लोग कोई शांत नहीं है। पब्लिक भी कई बार आवेदन दिए और हम लोग भी कई बार, लेकिन उसको बार बार नजरअंदाज किया जा रहा है। आज जो घटना हुई तो आज कैसे हुई, तार टूट गया? नहीं, अच्छा। तार नहीं टूटा है जी। ये लोग कुछ काम करने के लिए चढ़े, उसी में लोग उसमें जो नजदीक है तार उसमें सट गया, बस उन लोग जोन हो गए। दो लोग मतलब? हाँ, दो लोग जो हुए वो काफी गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो उनके पिताजी रिक्शा टानते हैं। अच्छा। और रिक्शा टान के जाते हैं तो घर में अपना भरण पोषण करते हैं, इतने गरीब लोग हैं। ये सबसे अफसोस की बात है, ये अपने इलाज के लिए भी सक्षम नहीं है। तो बिजली विभाग का क्या अपील करना चाहेंगे इस बात? हम बिजली विभाग को कहें कि जितना जल्द से जल्द हो सके वो तार को हटाया जाए और मेन रोड से आप 11,000 तार को ले जाए। अपना परिचय दें मैम। मैं पिलावल दशनी मुखिया नूरजहां। 365 दिन आपके साथ। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज, साथ ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।